बात अब उत्तर प्रदेश के सफाई मजदूर संघ की, जिसकी प्रदेश इकाई ने दिलीप वाल्मीकि को जनपद जेपी नगर का जिला अध्यक्ष बनाया है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार वाल्मीकि ने कहा कि समाज की हर परेशानी को उन्होंने करीब से देखा है। उन्होंने साफ कहा कि अब वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सफाई मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष ने जनपद की सभी नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह सफाई मजदूरों का शोषण अब बंद कर दें। इस मौके पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार वाल्मीकि ने सफाई मजदूर संघ की कार्यकारिणी की घोषणा भी की, जिसमें वीर लल्ला बाबू को महामंत्री, आनंद कुमार को जिला कोषाध्यक्ष, रोहित कुमार को जिला मीडिया प्रभारी, काले सिंह राणा को नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि दीपक उर्फ बाबू को नगर महामंत्री, विजेंद्र कुमार को नगर कोषाध्यक्ष, पंकज कुमार को नगर मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार बाबू का स्वागत करते हुए उनको पूरा सहयोग करने की बात कही है। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के लोग भारी संख्या में मौजूद थे। प्रदेश इकाई ने दिलीप वाल्मीकि को जनपद जेपी नगर का जिलाध्यक्ष बनाया है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार वाल्मीकि ने कहा कि समाज की हर परेशानी को उन्होंने करीब से देखा है। उन्होंने साफ कहा कि अब वाल्मीकि समाज का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सफाई मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष ने जनपद की सभी नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह सफाई मजदूरों का शोषण अब बंद कर दें। इस मौके पर नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार वाल्मीकि ने सफाई मजदूर संघ की कार्यकारिणी की घोषणा भी की, जिसमें वीर लल्ला बाबू को महामंत्री, आनंद कुमार को जिला कोषाध्यक्ष, रोहित कुमार को जिला मीडिया प्रभारी, काले सिंह राणा को नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है, जबकि दीपक उर्फ बाबू को नगर महामंत्री, विजेंद्र कुमार को नगर कोषाध्यक्ष, पंकज कुमार को नगर मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। वाल्मीकि समाज के लोगों ने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार बाबू का स्वागत करते हुए उनको पूरा सहयोग करने की बात कही है। इस मौके पर वाल्मीकि समाज के लोग भारी संख्या में मौजूद थे। लखनऊ में एक वाल्मीकि सम्मेलन था और लखनऊ में प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय महामंत्री, प्रांतीय सचिव, प्रांतीय महासचिव, उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के तमाम जिलों और मंडलों से कार्यकर्ता भी आए हुए थे। वहाँ पर मुझे उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ का जिला जेपी नगर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। मैं प्रांतीय अध्यक्ष माननीय रामेश्वर दयाल वाल्मीकि जी का, प्रांतीय प्रमुख महामंत्री माननीय मानिकलाल नागर जी का, माननीय प्रदेश महासचिव श्री जुगल किशोर जी का, प्रांतीय उपाध्यक्ष जी श्री ओमीलाल जी का, मंडल अध्यक्ष श्री जसवंत सिंह सेवक जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे जो भी उन्होंने जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूर्णतया निभाने का प्रयास करूँगा। मेरे जितने भी साथी हैं यहाँ पर, मैं उनके ऊपर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं अपने मकसद में उनको साथ लेकर कामयाब होऊंगा। समाज की सेवा करना यही मेरा मकसद है, इसीलिए मैं इस संगठन को, इन लोगों को साथ लेकर के चलूँगा। और ख़ास करके माननीय चंद्रा जी ने लखनऊ में हमें आश्वासन दिया है कि नगर पालिका से संबंधित या किसी भी विभाग में कोई भी सफाई कर्मचारी यदि उसका शोषण हो रहा है तो पूर्णतया उसकी मदद की जाएगी। और माननीय चंद्रा जी ने आश्वासन दिलाया है कि मैं जिला अधिकारी महोदय के समक्ष आप लोगों को बिठाकर, नगर पालिका अधिकारियों को बुलाकर समस्त समस्याओं का निदान स्वयं कराऊंगा, जिसके लिए मेरे वीर साथी सभी लोग तैयार हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, निस्वार्थ लोगों की सेवा करेंगे। वाल्मीकि समाज में सफाई कर्मचारियों का शोषण रोका जाएगा, जिसके लिए पूर्णतया हम प्रतिबद्ध हैं। भाई दिलीप कुमार जी जो हैं लखनऊ से महासंघ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किए गए हैं, हम उनको हार्दिक बधाई देते हैं और उनसे कामना करते हैं कि हमारी समाज का जो है उत्पीड़न जो हो रहा है नगर पालिका में, उसका जो है समाधान भाई दिलीप कुमार जी अध्यक्ष पद के लिए आए हैं। उनसे अनुरोध है कि वो अपनी वाल्मीकि समाज का पूर्ण सहयोग करेंगे। आज एक खुशी का विषय है, हमारे बड़े भाई श्री दिलीप जी को सफाई मजदूर संघ का जिलाध्यक्ष बनाया गया है और मैं धन्यवाद दूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जिन्होंने दिलीप जी को इस पद से नवाजा है। मैं
सफाई मजदूर संघ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दिलीप कुमार जी द्वारा मुझे महामंत्री पद पर मनोनीत किया गया और साथ में लखनऊ प्रदेश कार्यकारिणी का भी स्वागत करता हूँ, जिन्होंने जेपी नगर में माननीय दिलीप जी को अध्यक्ष बनाकर अमरोहा की बुराई को ख़त्म करने के लिए उनको भेजा है। मैं उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ प्रदेश कार्यकारिणी का आभारी हैं। हम नगरवासी हमारे बीच के हमारे दलीप भाई साहब को एक जुझारू नवयुवक है, इनकी आवश्यकता थी, वो मांग हमारी मानी गई और हमारे दलीप बाबूजी को जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। इनका हम प्रदेश कार्यकारिणी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दलीप जी से भी और हम सब जितने नवयुवक यहाँ खड़े हुए हैं पूर्ण इनके दलीप जी के कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ चलेंगे और समाज पर होने वाली नगर पालिका में जो उत्पीड़न होता है उसका पुरजोर विरोध करेंगे, अपने समाज को न्याय दिलाएंगे दलीप बाबूजी के नेतृत्व में। और हम प्रदेश कार्यकारिणी का मैं पुनः आभारी हूँ जिन्होंने हमारे बीच के माननीय दलीप जी को जिलाध्यक्ष बना करके हमारी जो एक इच्छा थी कि नवयुवक हमारे बीच में आना चाहिए उसके हम प्रदेश कार्यकारिणी पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। मैं राम किशोर, हमारे दलीप बाबू जिलाध्यक्ष जो प्रदेश स्तर से बन के आए हैं, हम उनका पूरी समाज धन्यवाद देते हैं और प्रदेश उनका प्रदेश लेवल के जो कार्य करने का और हमारे दलीप बाबू से आशा है हमारे इस जिला अध्यक्ष पद को पूरे संगठन से चलाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है जो भी हमारे समाज के संग उत्पीड़न हो रहा है उसको भी समस्या का हल करेंगे। सभी का आभार व्यक्त करता हूँ मैं भी लखनऊ से, जो हमारे भाई दलीप साहब को कार्यकारिणी का अध्यक्ष बनाया गया है, सफाई मजदूर संघ जिला अध्यक्ष बनाया गया है, सभी को सोच समझ कर बनाया गया है, मैं उनका और इनका दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ। उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर मोर्चा की जो कार्यकारिणी लखनऊ वाली है, दलीप भाई को जिला अध्यक्ष बनाया गया है, हम उनके साथ लखनऊ में ऐसा काम करेंगे और बाली विश्वास उनके साथ है, अध्यक्ष बनाया है। मैं उन सभी लोगों का आभार प्रकट करता हूं और समाज की जितनी भी मुझे पूरी आशा है समाज की जितनी भी परेशानियां होंगी वो सुनने के लिए हमारा दलीप बाबू बिल्कुल तैयार होगा और किसी तरह की भी किसी भी लोग को हमारे पड़ोसी को या हमारे समाज को कोई परेशानी होगी उसकी परेशानी बराबर सुनी जाएगी और मेरा आशीर्वाद है कि वो इस पद को बड़े अच्छे तरीके से निभाएंगे। बड़ा हर्ष का विषय है कि प्रदेश कार्यकारिणी एवं प्रदेश अध्यक्ष पूर्व विधायक माननीय श्री रामेश भाई वाल्मीकि जी द्वारा हमारे माननीय श्री दिलीप कुमार जी को इस जनपद जेपी नगर का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनसे अभिलाषा करता हूं कि वो इस नगर के बाल्मीकि समाज के सभी लोग भला करेंगे। दिलीप भाई जी जो हमारे जिला अध्यक्ष बन गए हैं, पूरी समाज और जितनी कार्यकारिणी है सारी दिले उससे पूरी साथ देगी और बहुत अच्छी तरह अपने पद को जो है निभा करके चलेंगे और सारी समाज की परेशानी जो है सही तरीके से जो है सुनी जाएगी और जो हमारी बिरादरी का शोषण हो रहा है, जितने हमारे कर्मचारियों का शोषण हो रहा है सब जो है सही रूप से जो है रोका जाएगा।